हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के नंबर वन कोचिंग संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी लगातार देख रहे हैं कि हर संडे आप सभी से वार्ता होती है। आज रविवार है और आज जो है टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। तो आज सुबह सुबह 6 बजे से जो टेस्ट चल रहा है, वो जो बच्चे यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं और एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं, क्रॉस कोर्स में आए हुए हैं, उन विद्यार्थियों का टेस्ट नंबर 3 आप देख सकते हैं। बहुत प्रॉपर तरीके से काम कराने वाली एकमात्र संस्था तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता, जो भी चीज़ें होती सब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप सभी तक इंफॉर्मेशन पहुँचाने का प्रयास करते हैं। पीएजी स्टूडेंट्स के लिए है, क्रॉस कोर्स है, यूपी कैडेट का कंबाइंड टेस्ट है और ये तीसरा टेस्ट है। आप सभी देख पा रहे होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पैटर्न पर आधारित है। पूरे 200 प्रश्नों का जो है हम लोगों ने संकलन किया है और हर संडे लाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो इनकम्प्लीट होता हो। इनकम्प्लीट का मतलब पूरे पूरे 200 प्रश्नों का ही हम लोग टेस्ट कराते हैं। खास विशेषता यही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, ये आप देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन 200 नंबर क्वेश्चन है, है ना। तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में आखिर में पूरे बैच का सिलेक्शन क्यों होता है? उसका कारण ये है, जब बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, यहाँ तक कि मैं जुलाई में बात करूँ तो जो जुलाई में बच्चा आता है वार्षिक पाठ्यक्रम के लिए, कोई भी संडे अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। वार्षिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों से भी बात करेंगे, वो भी दिखाएंगे कि टेस्ट नंबर कौन सा उनका चल रहा है, है ना। तो अपने यहाँ एक विशेष बात है, मैथ्स ग्रुप हो, बायो ग्रुप हो, एजी ग्रुप हो, कोई भी वर्ग हो, सभी वर्गों में चयन क्यों हो जाता? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, देखो पढ़ाता तो हर कोई है लेकिन हर संडे इवैल्यूएशन करना एक बड़ी बात होती है। संडे के दिन जितने भी बैचेज होते हैं सब में टेस्ट कराए जाते हैं। उसी सिलसिले में जो क्रॉस कोर्स के विद्यार्थी हैं, यूपी के विभिन्न जिलों से आए हुए हैं, उन विद्यार्थियों का टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। हम चलेंगे क्लासरूम में, है ना, जितने भी क्लासरूम हैं, ठीक है, सब में देखेंगे कितने सारे विद्यार्थी टेस्ट दे रहे हैं। अब तो आप सभी लोगों ने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को इतना प्यार दिया है कि एक तरफा पूरे यूपी के विद्यार्थी सब तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को ही ज्वाइन कर रहे हैं लगातार। अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी कानपुर ऑफलाइन के लिए आ रहे हैं और लगातार बच्चे जो नहीं आ सकते हैं वो सारे बच्चे हाइब्रिड क्लास से जुड़ रहे हैं। जो यहाँ पर ऑफलाइन क्लास चलती है उसी को ऑनलाइन मोड में ले रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे पूर्ण भरोसा है इस बार भी जो टॉप रैंक आएंगी, जितने भी रैंकर बनेंगे वो सब तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से ही बनने वाले हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग चलते हैं वन बाय वन, एक एक क्लासरूम में चलेंगे, देखेंगे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है और कैसा है पेपर, उन्हीं विद्यार्थियों से बात करते हैं। आइए चलते हैं। सारे बच्चे जो है यूपी कैडेट क्रैश कोर्स के विद्यार्थी हैं, टेस्ट नंबर 3 चल रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बैठ जाइए। पेपर कैसा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कंबाइंड टेस्ट जो है 3 है, है ना। और एक बार सभी लोग पेपर जरूर दिखाएंगे, सामने से दिखा दीजिए। कुछ कर रहे हैं आप लोग? जो आप लोगों ने फीस जमा किया है उसका उपयोग हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा ना भाई, इतनी फीस अन्य लोग भी लेते हैं लेकिन व्यवस्थाएं, पढ़ाई जो बड़ी बात है, और आपको एग्जाम तक इसी प्रकार से कराया जाएगा। जो बच्चे रेगुलर पढ़ने आएंगे उनका निश्चित रूप से किसी न किसी विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर फ्री सीट पर एडमिशन होगा। जो लगातार पढ़ेंगे, टेस्ट देंगे और अपने आप को सुधारेंगे, गलतियाँ नहीं करनी है। हर संडे टेस्ट इसीलिए कराया जा रहा क्योंकि आप लोग जो है अगर अचानक यूपी कैडेट का टेस्ट देंगे तो कहीं रोल नंबर भरने में दिक्कत आएगी, कहीं कोई समस्या आएगी, कहीं टाइम कम पड़ जाएगा। तो ऐसे आपको एक अंदाजा मिल रहा, आप हर संडे यूपी कैडेट का एग्जाम दे रहे हैं, समझ गए बात कि नहीं। और सबसे बात खास बात यह है कि आपने कभी ये नहीं सुना होगा कहीं पर कि टेस्ट भी होता हो, क्लास भी होती हो। यहाँ पर हर एक मिनट का उपयोग होता है और ऐसा नहीं कि आप क्रैश कोर्स में आए हो तो ही आपके साथ ऐसा हो रहा। जो वार्षिक पाठ्यक्रम के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं
उन विद्यार्थियों को उनसे पूछिए, कभी कोई संडे अभी तक गैप नहीं हुआ, हर संडे उनका टेस्ट हुआ है और लगातार उनकी क्लास भी होती है, ठीक है। यही विशेषता है। यहाँ मैं देखता हूँ लोग 2-3 घंटे पढ़ा करके छोड़ देते हैं, कभी टीचर्स नहीं आते हैं। मैं देखता रहता हूँ जिस समय हमारे यहाँ विद्यार्थी क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं, उतने समय विद्यार्थी अन्य कोचिंग वाले छपेड़ा पुलिया घूम रहे होते हैं, ठीक है। तमाम बच्चों को मैं देखता रहता हूँ। तो देखिए, वे बच्चे सौभाग्यशाली हैं जो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को ज्वाइन किए हैं, क्योंकि देखो भाई, जो मिनिमम शुल्क है तो शुल्क व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए हर कोई लेता है। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ने भी लिया है, लेकिन आप लास्ट में जब जाएंगे पढ़ के तो आपको यही महसूस होगा कि जो सर ने फीस लिया वो बल्कि कम लिया है। बैग हो गया, टी शर्ट हो गया, स्टडी मटेरियल, अभी ना जाने कितनी फोटो कापी आपको मिलेंगी। आप एक बार जोड़ना कैलकुलेट करना तो लगभग 50% मटेरियल तो आपके पास पहुंच जाएगा, और लगातार जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं संभव नहीं है लोग दे पाए जो हम दे रहे हैं। तो क्वालिटी कंटेंट ही मुख्य जो रोल है सिलेक्शन कराने का, वो यही है, ठीक है। अब आप यहाँ पर बढ़िया महसूस कर रहे हैं, कहीं पर कोई भी गर्मी तो हो नहीं रही है ना। आराम से पढ़िए और रिजल्ट लाइए, यहाँ पर टॉप करने की कोशिश करिए। जब यहाँ पर आप टॉप करेंगे तो वहाँ पर भी टॉप करेंगे। तो सबसे पहले जो हम पूछेंगे यहाँ पर, एक दो बच्चों से फीडबैक लेंगे। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरुषि गुप्ता। क्या नाम है? आरुषि गुप्ता। कहाँ के हूँ आप? बांदा। तो जब से आपने कोचिंग ज्वाइन किया है कैसा आपको यहाँ पर लग रहा है? मुझे तो ठीक लग रहा है। जो आपने फीस जमा किया है तो ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा कि हम गलत कोचिंग में आ गए? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस हिसाब से पढ़ाई हो रही उस हिसाब से फीस कम है या ज्यादा है? कम है सर। कम है ना, जो व्यवस्थाएं दी जा रही है। यहाँ लोग इतनी फीस दे करके टीन सेट में बैठ रहे हैं और पसीने से नहा रहे हैं, है ना। और संभव नहीं 2 घंटा, अगर आपको पसीने से नहा दिया जाए तो 1-2 घंटे के बाद आप निकल जाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने, जब एसी नहीं लगी थी उसके पहले हम लोगों ने अनुभव भी किया, ठीक है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही थी, लेकिन उन सभी समस्याओं को यहाँ पर सॉल्व किया गया, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, उतना ही करना जितना आपको आता हो। आप बेटा अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम साक्षी कुशवाहा है। पकड़ लो। कैसा अनुभव कर रहे हैं जब से आपने कोचिंग ज्वाइन किया? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस कोचिंग में आने के बाद, और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, और संडे संडे टेस्ट होता है। एकेडमी अन्य कोचिंग संस्थान से अलग क्यों है? सर क्योंकि यहाँ टीचर्स अपना पूरा 100% देते हैं, और स्टूडेंट भी बहुत मेहनत करते हैं टीचर के साथ, और आप भी बहुत सहयोग करते हैं। हर संडे संडे यहाँ टेस्ट भी होते हैं, और संडे जो टेस्ट होते हैं उसमें पूरे 200 के 200 क्वेश्चन भी होते हैं, और साथ ही साथ ऐसी फीलिंग आती है जैसे यूपी कैटेट का पेपर दे रहे हो। अच्छा, एक बात बताइए, आपको तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में कब पता चला? सर जैसे आपने 11th में आपने एग्रीकल्चर लिया, तो इस कोचिंग का नाम आपको कब पता चला कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी भी है? सर कोचिंग का नाम तो मुझे बहुत पहले से पता था, लेकिन फर्स्ट ईयर से पता था आपको? यस सर। तो फिर जो है, क्या आप सोच रही थी, जैसे मान लो कभी आपने वीडियो वगैरह देखा था? नहीं सर, वीडियो नहीं देखा। यूट्यूब चैनल पे नहीं देखा? नहीं सर। तो कैसे यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर जाना चाहिए? सर मेरे भैया कांटेक्ट में, तो उन्होंने मुझे बताया। मैंने जब फर्स्ट ईयर और 12th किया तो मतलब वहाँ पर रिस्पांस अच्छा नहीं था, वहाँ टीचर ज़्यादा पढ़ाते नहीं थे। 12th में मुझे हिंदी और इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ाई गई, मैंने पूरा अपने मन से पढ़ के दिया है, और बाकी भी जो सब्जेक्ट थे वो भी आधे आधे करवाए गए। फिर मेरे भैया ने कहा कि तिवारी एग्रीकल्चर में एक बार ट्राई कर लो, तो मैंने कहा ठीक है, तो मुझे ऐसे पता चला। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेहनत करते रहिए, रिजल्ट लाइए, ठीक है। उतना ही करना जितना आपको आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने कहीं और भी कोचिंग ज्वाइन किया होगा और वहां पर रिस्पांस इनको नहीं मिला होगा, और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में इन्होंने ज्वाइन किया, इनको अच्छा लग रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एक एक साल कोचिंग दूसरी कोचिंग में करके आए हुए हैं और यहाँ पर आकर के क्रैश कोर्स ज्वाइन किए। क्यों? क्योंकि पूरे साल उनको वहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया जो यहाँ पर मिल रहा। तो बेटा तुम खड़े हो जरा, अपना परिचय बताना। बेटा मेरा नाम अंश गंगवार है, मैं फर्रुखाबाद का मैं रहने वाला हूँ। तो
मैं 11th से मैं तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में जुड़ा मैं था, और सर ने मैंने वन ईयरली मैंने बैच भी मैंने पहले मैंने ज्वाइन मैंने किया था, लेकिन सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे थे। मैं अन्य कोचिंग में मैं फर्स्ट में चुका था, लेकिन मैं सर से हर समय मैं कॉन्टैक्ट में करता रहता था। और फिर मुझे उस कोचिंग में मेरे कोई रिश्तेदार की वजह मैं उसमें फर्स्ट चुका था, तो लेकिन मैं इस बार भी क्रैश हुआ, उसी कोचिंग मुझे जाना पड़ा था। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि तिवारी एग्रीकल्चर मुझे जाना चाहिए, क्योंकि 11th में मेरी बहुत अच्छी परसेंटेज बनी थी सिर्फ हमने ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने से। तो जैसे मान लीजिए हम किसी कोचिंग का नाम नहीं लेंगे, हाँ। आपने वहां पर भी कोचिंग ज्वाइन किया और आप खैर शुरू से आप पढ़ रहे हो, हाँ। है ना, किसी कारण से आपको वहां पर भेजा गया प्रेशर बना करके, यहाँ पर आप ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हो, तो वहां जो बच्चे बैठे हैं जो यहाँ बैठे हैं, ठीक है, वहां पर जो क्लासेस हो रही है जो यहाँ पर क्लासेस हो रही है, क्या अंतर है? जी सर अंतर है सर। कैसा अंतर महसूस आपने किया? सर वहाँ के सर कोई भी सर टेस्ट मटेरियल सर कोई नहीं सर देते, टेस्ट सीरीज भी वहाँ नहीं सर मिलती है, और कभी कभी वहाँ 200 प्रश्न का सर शुरुआत में कभी टेस्ट नहीं वहाँ होता है, 100 क्वेश्चन का सर होगा, मतलब 200 प्रश्नों का बहुत कम ही होता है। 5 टेस्ट तक सर 100-100 का होता है, 200 नहीं होता है। और जो है यहाँ पर जब से आपने ज्वाइन किया है तो ऐसा तो नहीं है कि जो है अधूरे प्रश्न दिए जा रहे हैं? नहीं नहीं सर, पूरे 200 प्रश्नों का पेपर हो रहा है। अच्छा, जो सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाया जाता है क्या उसका टॉपिक वाइज आपको कुछ कंटेंट मिलता है? जी सर हर टॉपिक वाइज सर जो मिलता है ना। यस सर, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में स्टडी मटेरियल कुछ नहीं दिया जाता, केवल बताया जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिलता है? फोटो कॉपीज मिलती है कि नहीं मिलती? सर मिलता है सर, जब हमने बनेली बैच सर ज्वाइन किया था, आप सर हर बार सर आप मुझे सर भेजते रहते सब स्टडी जितनी भी मटेरियल है सब कुछ, और आपने सर टेस्ट सीरीज भी सर हर बार आप सेंड करते रहते थे। अच्छा, जो बच्चे इधर उधर भटक गए हैं, अगर एक बार 2 दिन आकर के क्लास कर लें तो क्या वहां पर वो जाएंगे? नहीं सर, वो यहीं रहेंगे सर। इसका मतलब ये कहीं कहीं जानकारी का अभाव है। जी सर, है ना, व्यवस्थाएं कैसी हैं, टीचर्स कैसे हैं, पढ़ाई कैसी है, अनुशासन कैसा है? जी सर, अगर ये जिस दिन बच्चे जान जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर इधर उधर भटकेंगे। सर जो यहाँ के सर जो बच्चे सर इतने हैं सर, अन्य कोचिंग हमें नहीं सर लगता कि इतने सर बच्चे होंगे सर। हाँ ये तो है, मतलब एक तरफा बच्चे। दूसरी बात, जैसे अन्य कोचिंग में 1-2 स्कूलों के बच्चे हैं, जैसे मान लो जाके गुमराह कर लिया, भाई पूरा यूपी सर है। वो हम कोचिंग का नाम नहीं लेंगे, एक लोग सर वो आए थे कोचिंग, तो वो हमसे कह रहे थे मेरे वहाँ पढ़ लो, फीस सर कम देंगे, लेकिन हमें लगा कि हम नहीं जाएंगे, इस बार हम जाएंगे तो सिर्फ तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी में ही हम जाएंगे। तो वही होता ना कि जैसे बच्चे शुरुआत में जान नहीं पाते। वो सर वो आए थे सर, उन्होंने कहा प्रैक्टिकल में पूरे पूरे नंबर दिला देंगे बस, तो मेरी कोचिंग में आओ, तो हमने कहा नहीं। मतलब प्रैक्टिकल में भी लोग पहुंचते हैं? हाँ जी सर, सर 3 बार सर वो आए थे प्रैक्टिकल के लिए। अच्छा, तो जो बच्चे इस प्रकार से फंस जाते हैं जी सर, तो उनको क्या कहना चाहोगे? उनको यही कहना चाहिए कि अगर अपना भविष्य बनाना हो तो सिर्फ तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी को ही ज्वाइन करें सर, इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देख पा रहे हैं बहुत सारे ऐसे अनेकों विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं जिनसे अगर हम बात करेंगे तो वो खुद बताएंगे, वो कहीं ना कहीं जो है कोचिंग ज्वाइन कर चुके हैं, क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, फिर उन्होंने महसूस किया यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार, वैसे फर्स्ट ईयर और इंटर के बच्चे जी सर, यहाँ जितने भी बच्चे यहाँ घूम रहे हैं चपेड़ा पुलिया पे, लगभग लगभग सबने पढ़ा है, लेकिन अब होता क्या है स्कूलों में जाकर के लोग कंट्रोल कर लेते हैं, कहीं टीचर से कंट्रोल करा देते हैं, कहीं कोई काम करा देते हैं, कहीं एग्जामिनर से, जैसे तुम कह रहे हो प्रैक्टिकल एग्जाम में जा करके और नंबर ज्यादा दिलवाने का झांसा देते हैं, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे कट जाते हैं। कई लोग कहते हैं फर्स्ट रैंक आई है आपकी फर्स्ट ईयर में तो हम आपको फ्री कर देंगे, तो फ्री कर देंगे तो उनके पीछे 10-5 बच्चे और कट जाते हैं। मुझे लगता है ये बहुत दिन तक, ये स्थायी नहीं है, इट इज नॉट परमानेंट, इट इज टेम्परेरी। ये क्या है, ये जो भी कंसेप्ट वो लोग लागू कर रहे हैं ना वो टेम्परेरी है, परमानेंट कंसेप्ट इज ओनली स्टडी एंड सिलेक्शन। सर जो आपने होली के पहले सर जो क्लासेस सर दी थी फ्री सर, हमें नहीं लगता सर जो आपने 11 क्लासेस दी थी कोई और सर कोचिंग नहीं सर दे सकता लगातार। क्यों नहीं दे सकते? देखो हमने 11 क्लासेस डेमो के रूप में दिया, क्यों और बीच बीच में डेमो दे रहे हैं? पहले कोचिंग पढ़ते थे वो सर खुद कहते थे अगर हम फ्री में अगर 2-3 अगर क्लास दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा क्योंकि अन्य कोचिंग, लेकिन वो सर नहीं दे रहे थे। वो क्यों नहीं दे रहे थे? क्यों? क्योंकि बच्चे जान जाएंगे कौन कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं। जी सर, और सबको ये डर है कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी अब जो है आगे जुलाई में क्या होगा। जी, अब तो सब डर चुके हैं मौके पे। देखो ऐसा था कि मैं स्कूल तो जा नहीं पाया, अब जो बच्चे यहाँ पर आ गए ना वो यहीं पर खड़े होकर के एक बार देखते हैं, और जब यहाँ क्लास चलती है तो यहाँ पर मैं देखता हूँ 2 मिनट हर बच्चा रुकता है और एक बार इधर ही देखता है,
अब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि हमने गलत जगह एडमिशन ले लिया, हमें लेना चाहिए था यहाँ, है ना, अब उसको महसूस हो रहा। तो ऐसे बच्चे जो अभी नहीं आए हैं कानपुर, वो आ सकते हैं, अभी स्वागत है। और जो आ चुके हैं और मान लो फंस चुके हैं, उनका भी स्वागत है, चाहे वो ऑफलाइन ज्वाइन कर लें, चाहे हाइब्रिड क्लास ज्वाइन कर लें। तो हाइब्रिड पढ़ाया जाता, यही तो होता है सब? जी सर, दूसरा कुछ होता है? नहीं, यही यही होता है ना। चलिए, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, मेहनत करते रहिए, है ना, पढ़ते रहिए। थैंक यू। तो इस प्रकार से देखिए, हमने कुछ विद्यार्थियों से फीडबैक लिया है और लेना भी आवश्यक है, विद्यार्थियों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है बात को, कि वास्तव में यहाँ पर कानपुर में लोग कर क्या रहे हैं और किस प्रकार से काम कर रहे हैं। ये हॉल नंबर 1 में आप लोगों ने देखा, इस तरीके से स्टूडेंट्स जो है यूपी कैडेट क्रैश कोर्स के बच्चे हैं, ये सब टेस्ट नंबर 3 को दे रहे हैं। अब हम हॉल नंबर 2 में चलेंगे। हॉल नंबर 2, ये सब देख पा रहे हैं, ये सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। कैसा है पेपर? बढ़िया है, सही है पेपर। बढ़िया है? हाँ, कैसा महसूस कर रहे हो यहाँ पर? सही पढ़ रहे हैं। पढ़ाई अच्छी हो रही है? हाँ, एकदम बढ़िया पढ़ाई। ठीक है, चलिए, यही हमारी सफलता है। कैसा लग रहा बेटा कानपुर में यहाँ पर आकर? सर, बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही है यहाँ पर। अच्छी, जैसा हमने सोचा था, सही ऑनलाइन देखा था, वैसे ही पढ़ाई हो रही है। वैसे ना? हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। ये इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, सब लोग टेस्ट दे रहे हैं। कैसा लग रहा बेटा? सर, अच्छा लग रहा है। जब से आपने कोचिंग ज्वाइन किया है, कोई अव्यवस्था तो नहीं हुई है? नहीं सर, नहीं। पढ़ाई ठीक ठाक हो रही है? पढ़ाई हुई है सर, जैसा ऐसी हुई। वैसे ही है ना? तो जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं, उनको क्या बताना चाहोगे? सर, मैं तो यही बताना चाहूंगा, अच्छी से अच्छी पढ़ाई होती है, अगर सिलेक्शन पाना है तो यहीं पे आना है। चलिए, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन बेटा, ऐसे ही जो है फीडबैक आप सभी देते रहिए। कैसा लग रहा बेटा यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये जो व्यवस्था है टेस्ट टेस्ट की कराई रही, बढ़िया हो रही है? बढ़िया हो रही है सर। ये देख पा रहे हैं, सभी लोग टेस्ट दे रहे हैं। ये हॉल नंबर 2 है, यहाँ पर भी क्रैश कोर्स के विद्यार्थी हैं, सब क्रैश कोर्स के टोटल नए स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ पर कंबाइंड टेस्ट नंबर 3 चल रहा है। एक बार सभी लोग जो है कॉपी को, अपना पेपर ऊपर करिएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बैठ जाइए, केवल पेपर ऊपर कर लीजिए। कैसा आप लोग अनुभव कर रहे हैं तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को ज्वाइन करके? जैसा आपने YouTube पर देखा था, क्या वैसा ही है? जो वीडियोज बना करके डाले जाते हैं, जो लाइव किए जाते हैं, क्या बिल्कुल सच है? कोई एडिटिंग तो नहीं है? जो आपने सुना था, बहुत सारे बच्चे हैं, तमाम सारे जिलों से आए हुए हैं, एक जिले के बच्चे तो है नहीं। तो यहाँ पर आने के बाद ऐसा तो नहीं लगा कि YouTube पर कुछ अलग दिखाया जाता है, यहाँ पर कुछ अलग? सेम है ना? तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? देखो बेटा, प्रयास पूरा है कि अच्छा हो। अब आप सभी का सपोर्ट जो मिल रहा है, इससे जो है हमें भी एक ऊर्जा मिल रही, हम लगातार बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, आपकी क्लासेस चलती हैं और आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। स्टडी मटेरियल का मतलब, जो टॉपिक समाप्त होता है उस टॉपिक के बाद आपको एक सीट मिलती है टॉपिक वाइज। ये व्यवस्था सिर्फ IIT और नीट के विद्यार्थियों को मिला करती थी कभी, लेकिन अब स्टडी मटेरियल नाम की चीज़ अब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी आ गया। और आप सभी देख रहे हैं, लगातार हम लोग काम करा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, इस क्लासरूम में भी जो है 2 AC यहाँ पर लग गया, एक छोटा सा क्लासरूम है और ये भी बहुत अच्छे तरीके से चिल्ड हो जाएगा। इसमें वार्षिक पाठ्यक्रम चल रहा है, इसमें जो वार्षिक वाले बच्चे हैं उनको भी असुविधा ना हो, गर्मी ना लगे, क्योंकि यही 2 महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी में सारे बच्चे चयनित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम तक पढ़ाते हैं। जैसे इस समय क्रैश कोर्स आने के बाद जो वार्षिक पाठ्यक्रम होता है अन्य कोचिंग संस्थान में, उन विद्यार्थियों की क्लासेस बंद कर दी जाती हैं या 1-2 घंटे पढ़ाया जाता है। लेकिन अपने यहाँ क्या है, जब वार्षिक पाठ्यक्रम आ जाता है, क्रैश कोर्स जब आ जाता है, तो वार्षिक पाठ्यक्रम को 1-2 घंटे क्लासेस बढ़ा दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो मेरे साथ 1 साल का समय दिया है ना, 1 साल का समय दिया है, फीस तो नाम मात्र की होती है। अगर जो है 15-18 हज़ार फीस 11 सब्जेक्ट की ली जा रही, जिसमें 5-7 हज़ार का मटेरियल दे दिया जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि जो है उनको छोड़ना चाहिए।
क्योंकि पूरे साल फीस तो बहुत कम है लेकिन खाने रहने का खर्च यहाँ पर है। तो हम लोग वार्षिक पाठ्यक्रम को भी लास्ट तक जो है काम कराते हैं, इसीलिए सारे बच्चे चयनित हो जाते हैं और उनको देख करके आप भी मोटिवेट होते हैं कि अगर ये 7 घंटे पढ़ सकते हैं, 8 घंटे पढ़ सकते हैं तो हम भी जो 6 घंटे 6.5 घंटे हम भी बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? ऐसा तो आपने अनुभव नहीं किया? यहाँ पर तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से कोई बेस्ट है ऐसा तो अनुभव नहीं किया होगा, है ना? तो यहाँ पर विशेषता यही है कि अगर आपने फीस जमा किया है तो आपके फीस का 1-1 रुपए का उपयोग कराया जाएगा और प्रयास पूरा रहता है कि आप सभी का सिलेक्शन हो। बस ये आपको कोशिश करना है, जितने प्रश्न आपको आते हो उतने प्रश्न आपको करना है, ठीक है? जितने प्रश्न आए उतने ही प्रश्न करिए, गलती नहीं करनी है, है ना? तो बेटा जो है कैसा पेपर, कैसा है? अच्छा है पेपर, अच्छा है, बढ़िया है। तो कैसे कोचिंग के बारे में कैसे आपको मालूम चला? मैंने यूट्यूब से देखा था कोचिंग के बारे में। तब जैसा यूट्यूब पर देखा था क्या वैसे ही पढ़ाई हो रही है? उससे ज्यादा अच्छी हो रही है, उससे ज्यादा अच्छी हो रही है। तो ये संस्थान बाकी अन्य संस्थान से अलग क्यों है? क्योंकि इसमें टीचर ध्यान देते हैं बच्चों पे और कोचिंग में देखो पढ़ाई सही तरह से होती है, डिसिप्लिन सही तरह से है और पेपर कराया जाता है संडे को। और पूरे 200 प्रश्नों का पेपर होता है? हाँ, पूरे 200 का होता है। अच्छा, तो कैसा मतलब जो आपने फीस जमा किया, ठीक है, शायद मुझे याद आ रहा आपकी मम्मी आई थी एडमिशन कराने, ठीक है, तो जो भी फीस आपने जमा किया तो आपको लग रहा कि जो एग्जाम तक हमारा 1-1 पैसे का उपयोग हो जाएगा? बिल्कुल सर, हो जाएगा। उतने का होगा कि उसके 2 गुने पैसे? उससे 2 गुने का हो जाएगा सर। मतलब पढ़ाई का पैसे से कोई मोल नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो जो बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं 2-4-5 रुपया कम के चक्कर में, तो उनको क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूंगा कि वो यहीं पे आके पढ़े, यहाँ पे देखो टीचर भी अच्छे हैं और पढ़ाई भी अच्छी होती है, अनुशासन भी है, अनुशासन भी है सर, और बहुत सी चीज है सर। चलिए, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, ठीक है, आगे अच्छे अच्छा करते रहिए। क्या नाम है बेटा? तो क्या कंडीशन है? पिछले टेस्ट में तुम्हारी रैंक शायद कौन सी थी? दूसरी रैंक। मैंने टेलीग्राम पे डाला था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, रजत यादव है, कन्नौज के रहने वाले हैं। और कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत बढ़िया पेपर, बिल्कुल जैसे यूपी कैडेट में बैठ के देते, बिल्कुल वैसी फील आ रही है। मतलब 200 क्वेश्चन का टेस्ट है और बढ़िया, मतलब जैसे क्वेश्चन यूपी कैडेट में आते बिल्कुल वही क्वेश्चन है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे पेपर देख के पढ़ के। तो मेरा कहना है कि भाई जहाँ पे जो कोई हो आना तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी आना, वरना कहीं मत आना। तो तमाम सारी कोचिंग से तुम तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को चूज क्यों किए? क्योंकि आचार्य जहाँ पे रिजल्ट दिखता है तो वहीं पर ज्यादातर लोग जाते हैं। मैं कक्षा 11 से आपकी मैराथन देख रहा था, आपके रिजल्ट देखे तो मैंने कहा था जाऊंगा तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी जाऊंगा। यहाँ आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत बढ़िया, मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल सही जगह आए हैं, बढ़िया जगह आए हैं बिल्कुल। ऐसा नहीं महसूस कर पा रहे हो कि जो है कोई अन्य संस्थान जो है तिवारी एग्रीकल्चर से भी अच्छी है कोई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है, ऐसा महसूस नहीं कर रहे हो ना? तो चलिए, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक, है ना, इसमें भी टॉप करिए, है ना, उतने ही प्रश्न करना जितना आपको आता हो, ठीक है? तो ये आपका हॉल नंबर 2 है, बैठ जाओ बेटा। हॉल नंबर 2 में विद्यार्थी टेस्ट दे रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक तरफा विद्यार्थी पूरे यूपी से जो है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में ही आए हुए हैं। तो हॉल का अभाव है, इस वजह से बच्चे सीढ़ियों पर बैठ करके टेस्ट दे रहे हैं। एक बड़ी बात है, एक गर्व की बात है इस संस्थान के लिए कि जो है इतने सारे विद्यार्थी जो है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को ज्वाइन कर रहे हैं, लगातार हाइब्रिड क्लास भी ज्वाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन जो बच्चे कानपुर नहीं आ सकते हैं वो सारे बच्चे जो है ऑनलाइन जुड़ रहे हैं हमसे। एक बार आने हालत खराब हो जाता है। आप सभी देख सकते हैं छत पर भी बैठे हुए हैं काफी लोग, ये भी यूपी कैडेट का टेस्ट नंबर 3 सब क्रैश कोर्स से हो ना? ये सभी लोग टेस्ट दे रहे हैं। मौर्य जी कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी लोग देख सकते हैं कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी इस समय जो बच्चे, अगर देखा जाए हमारे पास तो जगह नहीं टेस्ट कराने का, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा, आप देखिए अच्छी तरीके से कि यहाँ पर हाल नंबर 3 है, देखिए इस समय यहाँ पर बच्चे जमीन पर बैठे हुए जीने पर, अभी आप सभी लोग देखे हैं, तो तैयारी अगर देखा जाए बेहतर जो कराई जाता है सबसे अच्छा। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो एक बार सभी लोग पेपर ऊपर कर लेंगे, भारत माता की, भारत माता की, सफलता का एकमात्र विकल्प, सफलता का एकमात्र विकल्प। तो आप लोग कैसा अनुभव कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा गलत जगह आपने एडमिशन ले लिया? जैसा आपने YouTube पर देखा था सुना था वैसा ही है यहाँ पर? जो आपने फीस जमा किया लग रहा कि एक एक पैसे का उपयोग होगा? कोई समस्या तो नहीं किसी को? किसी प्रकार की कोई असुविधा? कोई दिक्कत नहीं ना? क्लासेस बढ़िया चल रही हैं? चलिए बस ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए और रिजल्ट अच्छा होगा। क्यों मौर्य जी? रिजल्ट सर बहुत अच्छा जाएगा, देखिए जिस तरीके से मेहनत हो रही है उस तरीके से अगर आपको बता दे कि रिजल्ट बहुत बेहतर जाने वाला है, अगर देखें बहुत बच्चों के यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, तो जो बच्चे अगर देखा देख रहे हैं आप सब लोग अगर कहीं भटक गए हैं तो अभी आपके पास समय है, अभी भी समय है, अभी समय है आपके पास, समझ लीजिए 2 महीने का समय है, तो 2 महीने में अगर देखें आप तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी आप ज्वाइन कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर समय है, समझ लीजिए आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि अच्छे संस्थान में पढ़ने की बात ही अलग होती है, ठीक है, तो आपकी अच्छी रैंक जरूर आएगी। तो अगर कोई छात्र इधर उधर भटक गया, कहीं फीस भी जमा कर दिया, तो आके यहाँ पर बात करके उसका कंसेशन सब हो जाएगा, ठीक है, हाँ डिस्काउंट मिले लिया जाएगा, जो बच्चे इधर उधर भटके हैं और पढ़ना चाह रहे हैं, अगर मान लो फीस जमा कर दी है तो उनको विशेष जो है ध्यान दिया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से देख पा रहे होंगे मौर्य जी ऊपर भी है क्या? ऊपर भी है। चलिए दिखाइए जरा कहाँ क्या मामला है, ये आप देखिए यहाँ पर ऊपर भी बच्चे बैठे, अब आप देख लीजिए किस तरह मतलब बच्चे बैठे हुए, कैसे यहाँ पर पेपर हो रहा, हमारे पास अगर देखा जाए जगह नहीं टेस्ट पेपर कराने का, तो यही है तिवारी एकेडमी का ब्रांड, क्योंकि जो सच्चाई और मेहनत ईमानदारी के साथ काम किया जाता है उसका रिजल्ट बहुत बेहतर दिखता है। अब आप सभी लोग देख लीजिए, अब भैया कहाँ के रहने वाले हो? खड़े हो क्या नाम है तुम्हारा? नितिन गौतम। नितिन गौतम, किस कॉलेज से पढ़े हो? राम स्वरूप ग्राम इंटर कॉलेज। अच्छा, यहाँ पर आपको जब क्लास करने आए थे ऑनलाइन जैसे बताया, क्या मतलब जैसा बताया गया था वैसा है? बिल्कुल वैसा ही है, और यहाँ पर अच्छे से सभी टीचर लोग पढ़ाते हैं, और बिल्कुल एक परसेंट का भी मतलब सारा समझ में आता है, कुछ भी ऐसा नहीं है, और व्यवस्था एकदम अच्छी है, इवन क्लास की मतलब अच्छी है, एसी वैसे सब कुछ सारी व्यवस्था है, मतलब कोई भी प्रकार की टेंशन नहीं है, एकदम फ्रीली होकर। पढ़ाई कैसी लगती है? पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, और लाठी डंडे चलते हैं? वो भी चलते हैं साथ में, पत्ता सा लाठी डंडे भी चलते हैं, मतलब वो भी चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत लाठी डंडा भी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में जब तक दर्द नहीं मिलेगा तब तक आप सभी लोग आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। तो आप सभी लोग यहाँ दर भी देख सकते हैं किस तरह बच्चे यहाँ पर पेपर दे रहे हैं, ठीक है, कोई इसमें आपको 1% पे किया बनावट किया दिखावा कुछ नहीं है, जो सच्चाई है उसी आपको दिखाया जा रहा है। तो आप सभी लोगों को एक बार और हम जरूर कहेंगे, अगर आप सभी लोग कहीं भटक गए हैं तो एक बार आप तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का विजिट जरूर करिएगा, क्योंकि जो सिलेक्शन का एकमात्र विकल्प तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी अगर बोला जाता है तो है, उसमें कोई भी 1% का शक नहीं है, ठीक है। तो इधर आप एक बार दिखा दीजिए, देख लीजिए यहाँ पर बच्चे पेपर किस तरीके से जमीन पर बैठ के पेपर दे रहे हैं। आपका भैया क्या नाम है? मोहित यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? सुखाबाद सर। सुखाबाद, कैसा लग रहा है यहाँ पर? सर अच्छा लग रहा है। पढ़ाई वढ़ाई कैसी होती है? सही होती है, जैसा यूट्यूब पे दिखाते हैं सर। मतलब पढ़ाई समझ में आता है? यस सर बिल्कुल आता है। यस सर। और टेस्ट पेपर आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, पेपर के हिसाब से सही है। तो चलिए ठीक है, आप सब लोग देख लिए होंगे कि कितना हमारे यहाँ पर हाल के हाल अगर देखा जाए, एक तरफ से जीने में सब जगह पूरे बच्चे भरे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बाकी ये टेस्ट नंबर 3 है, बाकी ये टेस्ट पेपर जितने होते रहेंगे सब आप सब लोगों को यहाँ पर दिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लाइब्रेरी में भी बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, यूपी कैडेट का कंबाइंड टेस्ट नंबर 3, ये सभी बच्चे क्रैश कोर्स के हैं, ठीक है। एक बार सभी लोग पेपर ऊपर करिएगा, भारत माता की, पेपर ऊपर कर लीजिए, पेपर ऊपर कर लीजिएगा सभी लोग, देखो तो शानदार तरीके से लोग टेस्ट दे रहे हैं। कैसा है पेपर? बढ़िया है। कैसा महसूस कर रहे हो भाई? तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को ज्वाइन करके आपने अच्छा किया कि गलत किया? अच्छा ही किया। अच्छा लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमने फीस जमा कर दिया हम फंस गए?
जितनी फीस जमा किया लग रहा कि जो है सब वसूल हो जाएगा? यस सर। मेहनत कराया जा रहा? यस सर। व्यवस्थाएं ठीक ठाक चल रही हैं? यस सर। किसी प्रकार की कोई समस्या? नो सर। कोई नहीं है ना? नो सर। उतने ही सवाल करना बेटा जितना आ रहा, ठीक है? ये ध्यान रखना, अगर सफलता पाना है तो ये ध्यान देना है। तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी तो आ ही चुके हो, सफलता पाना है तो तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी आना है तो आ चुके हो। अब क्या गलती कम करना है? अगला सूत्र क्या है? हाँ, गलती नहीं करना है, जितने आपको आ रहा उतना ही करना है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सारे बच्चे अपना बेहतरीन तरीके से टेस्ट दे रहे हैं और पूरा प्रयास है कि विद्यार्थियों को जो है हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी कराया जाए। यहाँ पर इस तरीके से बच्चे हर संडे टेस्ट दे रहे हैं, लगातार जुड़े हैं और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लिए हैं उनका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाए, क्योंकि बहुत भरोसा के साथ विद्यार्थी तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में आए हुए हैं और हर साल आते हैं, हर साल सेलेक्ट भी होते हैं। पूरा प्रयास रहता है कि विद्यार्थियों को अच्छी जगह पहुंचाएं और बच्चे पहुंचते भी हैं। प्रतिभा सम्मान के माध्यम से रिजल्ट को डिस्प्ले भी किया जाता है, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर पूरी लाइब्रेरी में जो है टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि हॉल का अभाव है, आप सभी ने देखा है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप सभी लोग शेयर जरूर करिएगा। बाकी रात में जो है 9 बजे हम यूपी कैडेट का फॉर्म कैसे भरा जाएगा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के बताएंगे, और 1 बजे से सभी लोगों को मैराथन क्लास को ज्वाइन करना है। 1 बजे से मैराथन क्लास को ज्वाइन करना है, वो भी काफ़ी फायदेमंद होने वाली है, ठीक है? थैंक यू। राधे राधे। जय हिंद।